शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर एकांकिका कलिंग जेमा जार लेखक होती कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। तेबे कालीचरण पट्टनायक ओडिया नाट्य साहित्य रे जने अमलिन प्रतिभा एवं जने प्रसिद्ध नाट्यकार भावे से बहु परिचित। अनेक से एकाधारे जड़े अभिनेता जड़े नाट्यकार जड़े संगीतज्ञ एवं जड़े चलचित्र प्रयोजक से ओडिसी नृत्य को सर्वभारतीय स्तर में पहुँचाई अनेक प्रचेषा करतृत्व एल्लेख्य। से 50 रु ऊर्ध रासनाटक मंच नाटक एवं गीतिनाट्य रचना करिसेंती। रचना मानक मध्यरे रही भात, गर्ल्स स्कूल, चुंबन, अभिजान, चक्री, रक्त मंदार, फटा भूई एवं रक्तमाटी प्रभृति नाटक से रचना करिसेंती। पंचरंग, षडरस, सप्तपर्णी प्रभृति एकांकिका संकलन मध्य रही। कुंभारचक हेउछि तांकर आत्मजीवनी, एथिपाई से केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार मध्य पाइछन्ती। तेबे आज आम तांकर जो एकांकिकाटी पढ़ा कलिंग जेमा से एक ऐतिहासिक कहानी को नहीं रचित गोटे ऐतिहासिक कहानी कलिंग जेमा ऐतिहासिक कहानी को उद्धार करी ताकु एकांकिकार रूप देछन्ती कालीचरण पट्टनायक। तबे कलिंगर देश प्रेम एकांकिकारे आमे देखिबा को पाइबा कलिंगर देश प्रेमी प्रजामानंक भितरे थिबा देश प्रेम, अशोकंकर निष्ठुरता बर्बरता। तुम्हें जानिथिबो सम्राट अशोक कलिंग आक्रमण करिथिले, तबे सम्राट अशोकंकर निष्ठुरता बर्बरता आम ए देखा पाइबा। कलिंग जेमा त्याग एवं देश प्रीति आमको एथेर देखा मिल। कलिंग राजा जेमा त्याग आश प्रीति आम ए देखा पाइबा। एवं शेष आम देखा कलिंगर स्पर्शरे कलिंग आसी जड़े बर्बर राजा सम्राट अशोक सम्राट अशोक किभली मानसिक परिवर्तन घटी तांकर मानसिक स्तर रे परिवर्तन घटी ताहा देखा पाइबा। तबे आरंभ करिबा एकांकिकाटी मात्र दुईटी दृश्य रे शेष हो एकांकिकाटी आरंभ करिबा। प्रथम दृश्य हेउछि कलिंग राजप्रासादर एक अंश, कलिंगर राजप्रासाद तार गोटे अंश। चिंतित मनरे पदचारण करुथिले कलिंग नरेश। कलिंगर राजा भारी चिंतित हो पड़ते से पदचालना करपट होस्त बिव्रत हो पड़ते। महामंत्री आसी अभिवादन कले, से समय महामंत्री आसी अभिवादन जनइले। तापर महामंत्री कहते आमर आशा भरोसा नहीं महाराज, यथासंभव शीघ्र राजपुरी परित्याग करने को। शत्रुसेना प्रबल बेगर माड़ आसुंच, एभली प्रलय आक्रमण केबे हेले कलिंग अनुमान सुद्धा करिना हि। तबे मंत्री आसी सूचना देउछंती जे कलिंग आक्रमण होइछि शत्रु सेनांक द्वारा। शत्रु सेना आक्रमण करिछंती एवं प्रलय करि देउछंती से माने। आउ आशा नहीं आमर आउ किछि आशा नहीं, आउ किछि बाट नहीं, आमको ए राजनर छाड़ी चली जिबाकु हबो, आमको ए राजनर परित्याग करिबाकु पड़िबो, आउ किछि बाट नहीं बोली महामंत्री कहते आसी सूचना दे। अर्थात आम बुझीपारे कलिंग आक्रमण हो शत्रु सेना आक्रमण कर राजा से चिंतित अच्छा महामंत्री आसी सूचना देले जे आमर आउ आशा नहीं, आमको ए राजनर परित्याग करू चली हम। तापर महाराज कहते आमर पाइक मैंने कौन पछघुचा देखते, आम पाइक मैंने वीर, आम पाइक मैंने ये बड़ बड़ योद्धा, से मैंने कौन युद्ध में पछघुचा देउछन्ती कि? राजा पचारे। सेठ महामंत्री कहते पाइक वंश निर्मूल प्राय, अर्थात सबु पाइक मैंने युद्ध में मृत्युवरण कर सारे। एत भयंकर युद्ध, एत भयंकर आक्रमण कलिंग उपरे केबे हेइनथिला,
ଏଥର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଶତ୍ରୁ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କଳିଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ପାଇକମାନଙ୍କର ନିର୍ମୂଳ, ପ୍ରାୟ ପାଇକମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପାଇକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତା ଛଡ଼ା ନିରୀହ ଜନତା, ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ, କାହାରି ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। କଳିଙ୍ଗର ଧୂଳିକଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, କଳିଙ୍ଗର ଧୂଳିକଣା ବି ଧୂଳି ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲାଣି। କଳିଙ୍ଗର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଗଧର ଶତ୍ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଧର ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଗଧର ଶତ୍ରୁ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ସେ ଅତି ବର୍ବର ରାଜା, ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ରାଜା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକକୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଲୁଣ୍ଠନ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଗାଁମାନଙ୍କର, ସବୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି, ହାଣି ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେଣି ସେମାନେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଶୁଭୁଛି ମାତ୍ର କାହାରି କାହାରି ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶ୍ୱାନ ଆଉ ଶୃଗାଳର ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍କାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ବିକଳ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଛି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ତା'ର କାନ୍ଦ, ବିକଳ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ନା କୁକୁର ଆଉ ଶୃଗାଳର, ଶ୍ୱାନ ଆଉ ଶୃଗାଳର ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍କାର, ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଢେର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଢେର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ, ଭାରି ଖୁସି ହୋଇକି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ ଭୀମ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରି ଶତ୍ରୁ ସେନା ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ ସେମାନେ ମଶାଣି ପ୍ରାୟ କରିଦେଲେଣି, ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେଣି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ନିପାତ କରିଦେଲେଣି, କରିକି ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ହେଲା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଏ ନଅର ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଆମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଭିକ୍ଷୁ ଉପଗୁପ୍ତ କେଉଁଠି ଥିବେ, ଉପଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭିକ୍ଷୁ ଉପଗୁପ୍ତ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଉପଗୁପ୍ତ ଏବେ କେଉଁଠି ଥିବେ ବୋଲି ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ। ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କେହି କାହାର ସମ୍ବାଦ ନେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ବା କାହିଁ, କେହି ବି କାହା ଖବର ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ କାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେ ମାରି ଚାଲିଛି, କାଳ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଚିତ ମହାରାଜ, କାଳ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାମୁ ଅନ୍ତଃପୁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇ ଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁଛି, ହେଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ରାଜାମାନେ ନଅର ଭିତରେ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଅରରୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଥାଏ, ହେଲା, ଯେଉଁପଟେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନଅର ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ପଟେ ବାହାରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ହେଲା। ତେବେ ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଅରରେ ଯେତେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ, ସରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ,
मंत्री परामर्श दौरान राजा को जे मत यही ठीक लगुच्छे आपण अंतपुर महिला मानू नहीं चली जातु से महाराज कहते आपण व्यवस्था करूँ मु अंतपुर को जाऊँ राजा भी राजी जावस्था करूँ मु अंतपुर को जाऊँ महामंत्री सेठ कहले आज्ञा महाराज दुहें दुई दिगक चलीगले दुई दिगक चलीगले जड़े अंतपुर को गले राजा अंतपुर को गले महामंत्री बंदोबस्त करने गले केमी राजा एवं अंतपुर महिला मैंने चलीजे गुप्त रास्ता दे खंडगिरी आड़े है प्रवेश कले से राजकुमारी और उपानंद नामक जड़े बौद्ध भिक्षु है से कहते बौद्ध भिक्षु उपानंद एवं राजकुमारी दिजन जाक प्रवेश कर जगह से जगह को आजकुमारी कहते कलिंगर समस्त आशा शेष हो जाए मोपर जड़े सामान्य युवती लक्ष लक्ष नर नारी धन जीवन नाश है सीना भिक्षु उपानंद उपानंद को मन दुख कर राजकुमारी कलिंगर राजजेमा भारी मन दुख कर बौद्ध भिक्षु उपानंद को कहते जे मो भाया गोटे सामान्य युवती एत बड़ राज्य नाश हो गला हो गला ना मत भारी कष्ट बोली राजकुमारी कहते उपानंद कहते समस्त तथागत इच्छा तथागत किए तथागत होती बुद्ध बुद्धंर अन्य नाम हूँ तथागत ये से कहते सबकि तथागत इच्छा महापापी चंडाशोक निर्विचार नरहत्या आदेश दे तो जो महापापी महापापी चंडाशोक कौन आदेश निर्विचार बिना किसी विचार करे जीए सामनार आसचार कलिंगर जीए सामना को आसचार किसी विचार करवा दरकार ना वृद्ध कि शिशु कि महिला कि पशु कि पक्षी किसी विचार करवा दरकार ना जीए सामना को आसचार है कलिंग मगधर राजा चंडाशोक सैन्य मान को ये आदेश दे युद्ध नुहे ए युद्ध न्यायर सत्ता ना उपानंद कहते यहाँ युद्ध नुहे या युद्ध कहुएनि एद्धर सत्ता किसी ना युद्ध भाया लगुनि न्यायर सत्ता ना ए युद्ध न्याय ना अत्याचार उत्पीड़न मात्रा बेलकू बेल बढ़ी चलती देवी अत्याचार आ उत्पीड़न मात्रा बढ़ी चलती ये जो युद्ध होत्याचार बहुत होत अत्याचार हो युद्धर यह नियम नुहे कि जहाँ को देख मार सैन्य सैन्य युद्ध हुए एमती युद्ध हुए ना है तेब एक बेलके मानवर कल्पनातीत ए दृश्य ए दृश्य हूँ मानवर कल्पनातीत अर्थात मानव कल्पनार बाहर मनीष केवे कल्पना कर पारन ये एक अभावन दृश्य पृथ्वी पृष्ठ से यह अत्याचार अन्याय अभूतपूर्व उपानंद कहते पृथ्वी पृष्ठ से यह अन्याय यह अत्याचार हूँ अभूतपूर्व अर्थात या पूर्व एमती के पृथ्वी रे ये जो अत्याचार हूँ या पूर्व एमती अत्याचार केवनी ये प्रथम किंतु उपाय कौन गतिरोध बा प्रतिरोधर उपाय कौन बोली पचारंद कहते क्या को राजकुमारी राजकुमारी कहते किंतु तबे उपाय कौन कौन आम कर प्रजाहीन राज्य चंडाशोक राजत्व करने को स्थिर कर प्रजाहीन राज्य उपानंद कहते एमती गोटे राज्य से जय करने को चाहते जो राज्य प्रजाहीन समस्त को सी मारिदे क्या को लेकिन राजा हे उपानंद ठीक प्रश्नटी पचारिंटे कहते जे समस्त को तो मारिदेव को आदेश दे राज्य अधिकार कला से क्या शासन करेंगे प्रजाहीन गोटे राज्य यह गोटे राज्य से जितबे जो राज्य कहीं प्रजा नहाँ एक राज्य को शासन करेंगे जोटा कि प्रजाहीन जो थे कि प्रजा ही ना प्रजा बिना राज्य राजार सत्ता कौन प्रजा बिना राजार अर्थ कौन राजा किए क्या नहीं शासन कर प्रजा को नहीं जदि प्रजा ही ना राज्य ताले से केमी आदेश दे समस्त को मारिदेपी उपानंद प्रश्न कर प्रजाहीन राज्य चंडाशोक राजत्व करने को स्थिर कर चंडाशोक यह देश में राजत्व करने को स्थिर कर जो देश में प्रजा ही नए राजकुमारी सेठ कहते राजत्व लक्ष्य नुहे चंडाशोकर किंतु राजकुमारी ठीक बुझीपार राजकुमारी कहते राजत्व करने लक्ष्य नुहे
उत्पीड़न ध्वंस निजर हीन प्रतिहिंसा प्रवृत्ति चरितार्थ निमित्त चंडाशोकर पक्षे अकरणीय किसी ना चंडाशोक पाखे नकला भाया किसी कम ना से सबकिपे निजर ध्वंस हीन प्रतिहिंसा उत्पीड़न एवं ध्वंस करने को चाहे जो चाहूँ से किसी भी करे। राजकुमार कुनाल दुखमय जीवन कहानी तो शुणिथे राजकुमार कुनाल दुखमय जीवन कहानी तो उपानंद आपण निश्चय शुणिथे उपानंद से कौन सब शुणी देवी दूर रु कान शुणुला एवं निकटरे अति निकटरे सम्मुखरे आखि सब देखुची आगुरु चंडाशोकर जो बर्बर यो विभत्स कांड घटाइबार जो घटना ये सब मु आगुरु शुणुली एवं कितु सब आखि आगे देखुची बोली उपानंद कहतापर से कहते जो अनुभव करुच्ची से कल्पनातीत निर्मम अत्याचार विभीषिका आल्पना करुच्ची से किभली भाव किभली भाव गोटे विभीषिका सृष्टि करोटे कदार्ज दृश्य से सृष्टि कर मनीष मानक मारी पशुपक्षी समस्त को मारी से जो निर्मम अत्याचार जो विभीषिका मो सामना को चली आसुच्छे जो विभत्स दृश्य मो सामना को चली आसुच्छे जो घृण्य दृश्य मो सामना को चली आसुच्छे बोली उपानंद कहते तापर राजकुमारी कहते ए समस्त अनर्थर मूल में राजकुमारी निजक दायी करते सब अनर्थ जहाँ हो गला राज्य रे ए समस्त अनर्थ पाई एकमात्र दायी होची मु बोली कही राजकुमारी एक अनुभव करी तो उपानंद को से पचारी छंती राजकुमारी पचार छंती ए सब किछि विनाशर कारण होची मु एक आपण अनुभव करी पारु छंती तो उपानंद को प्रश्न करी छंती राजकुमारी पुणी उपानंद किंतु चुप रहुछंती एक कथा सुनी उपानंद चुप रहुछंती तापर पुणी राजकुमारी कहुछंती ए नरमेध यज्ञ आहुरी आहुति निमित्त मोर जीवन उत्सर्ग करिबा हि श्रेष्ठ धर्म नुहे कि ए जो नरमेध यज्ञ चली जो थे नर मानू आहुति दि जाऊँ ए जो यज्ञ चली यज्ञ लोक मान नरमेध यज्ञ अर्थात एथिरे जो मनीष मानक आहुति दि जाऊँ मनीष मानक हत्या कर एथिरे मोर किछि गोटाए करिवार बा निजकु त्याग करिवार निज जीवन मोर जीवन को उत्सर्ग कर देवाटा ही श्रेष्ठ धर्म हेबो बोली श्रेष्ठ धर्म नुहे कि बोली से प्रश्न करिछंती राजकुमारी तापर उपानंद एक कथा शुणी चमकी पड़ुछंती ए आपण कोन कहुछंती राजकुमारी निजकु त्याग कर देबे निज जीवन को उत्सर्ग कर देबे ए आपण कोन कहुछंती राजकुमारी उपानंद पचारिछंती तापर राजकुमारी कहते भिक्षु उपानंद आपण बेक को प्रश्न करतु आपण आपण बेक को प्रश्न करतु नरहत्या विरोध में यह ही एकमात्र पंथा से जो चंडाशोक सबु लोक मारिदेक जो आदेश देरुद्ध यहीटा ही एकमात्र पंथा समस्त बदल जदि मुकुटिया मरी जाए मो जीवन एकुटिया चली जाए तो किसी असुविधा होबना मु ए प्रलय अग्नि रे झांस देवाक दृढ़ संकल्प करी ए प्रलय अग्नि रे मु झांस देवाई प्रतिज्ञा करी ए अग्नि रे मु निजकु निज जीवन को उत्सर्ग करदेवि आउ मते बाधा दियंतु नहीं आपण भिक्षु मानंकु निरापद रे रखिबार भार ग्रहण करंतु आपण बौद्ध भिक्षु मानंकु निरापद रे रक्षा करिबार रखिबार भार ग्रहण करंतु आसंतु कहि दुहे चली गले अर्थात प्रकृतरे घटनाटी एभली एकदा कलिंगर जेमा बा राजकुमारी को विवाह करिवार प्रस्ताव देथिले मगधर राजा सम्राट अशोक किंतु ए प्रस्ताव को कलिंगर राजा बा कलिंगर नरेश प्रत्याख्यान करथिले तबे सेही द्वेष बा सेही क्रोधरे मगध सम्राट अशोक कलिंग ध्वंस करने आदेश देते कलिंगर राजकुमारी कहते ए सबुरी पचरे मुही एकमात्र दायी तेणु मु मो जीवन उत्सर्ग करदेवि जहाँ बदल मु मो देशर सबू नर नारी जीवन रक्षा करी मो देशर प्रजाकर जीवन रक्षा करी जदि मु मो जीवन उत्सर्ग करदे मो जीवन बदल मु देशर समस्त जीवन बचे पारि तबे
एटा थिला प्रथम दृश्य एठी ही शेष होइछि प्रथम दृश्य एहा परे आरंभ करिबा द्वितीय दृश्य। द्वितीय दृश्य रे रणक्षेत्रर एक अंश निकटस्थ छाउणी तबे द्वितीय दृश्य रे कोन होइछि युद्ध जोठी होउछि से युद्ध पाखरे थिबा गोटे छाउणी तुम्हें जानिथिबो आगुरु युद्ध जो जोठी युद्ध हुए सेठ सब टेंट भिड़िकी सैन्य मैंने रहती से जो छाउणी टेंट बा छाउणी पाखरे छाउणी रही शुभुला आहतर विकल क्रंदन जो मैंने आहत होते युद्ध से रखा जाऊला विकल हो कदुले कष्ट होने विकल हो कदुले किए कदुची किए चित्कार करुच्ची किए टिके पा मगुची यहीपर समय मध्य छाउणी मध्य हठात वीर दर्पे प्रवेश कले अशोक मुखरे प्रसन्नता तबे सेठी से छाउणी पाखरे शुभुची अनेक क्रंदनर रोल बा क्रंदनर शब्द किए कांदुची किए चित्कार करुची किए पाणी मागुची हैला ठीक सेतिक बेले अशोक प्रवेश कले गोटे छाउणी रे वीर दर्पे प्रवेश कले अशोक से कानडेरे शुणिले विकल चित्कार हाँ सैन्य मानकर विकल चित्कार किए पाणी मागुची किए चित्कार करुची ए सबु से शुणिले ठीक सेतिक बेले तापरे ए सबु शुणिला परे अशोक कहुछंती खूब जोर रे हसुछंती खूब जोर रे हसिछंती अशोक एवं ए हस जमिति थमिबार नहे बहुत जोर रे हाँ बहुत जोर रे से हसी चली छंती चित्कार जिते जोर रे सुना जाउछि अशोक सेते जोर रे हसुछंती अर्थात शत्रु मानकर कलिंग सेना मानकर चित्कार शुणी अशोक सम्राट हसुछंती जिते जोर रे माने चित्कार करछंती सम्राट अशोक सेते जोर रे हसुछंती हसु हसु से डाकिले सम्राट अशोक हसु हसु डाकिले राक्षस राक्षस हसिले हस सेमती चली थाए से खाली राक्षस को मझे डाकि हस किंतु चली थाए शिविर दिगरु बेगे प्रवेश कले मगध सेनापति राक्षस तेब राक्षस होती किए ना मगधर सेनापति अर्थात सम्राट अशोक सेनापतिर नाँ हूँ राक्षस आसी सम्मान प्रदर्शन कले राक्षस राक्षस होकर मंत्री तेरे राक्षस कहते आदेश करंतु महाराज राक्षस पचार कौन आपणकर आदेश करंतु अशोक कहते सेनापति चित्कार आड़ ठारुछंते जुआड़े सब चित्कार हो चित्कार आड़ ठारुछंते सेनापति शुणी पारुछ राक्षस महाराज शुणी पारुछ अशोक कहते कहीपर ए कौन राक्षस कुंठित भावरे कहुछंती कलिंगर कही रही जाइछंती कलिंगर चित्कार बा कलिंगर सैन्य मानकर चित्कार बोली कहि पारे नहंती कलिंगर बोली कहि के रही जाइछंती तापरे अशोक कहुछंती सेनापतिंक कथा उपरे हसुछंती सेनापतिंक कथा उपरे भी सम्राट अशोक हसिछंती तापरे कहुछंती हां हां खाली कलिंग नहे कलावती कलिंगर सप्तस्वरी वीणार झंकार ये हूँ खाली कलिंग नुहे कलावती कलिंग कलावती कलिंग कलिंग को से केते प्रशंसा करुले केते प्रशंसित से कलिंग थिला कलावती कलिंग बोली से कहते कलावती कलिंगर सप्तस्वरी वीणार झंकार देख शुण ये शब्द वीणा झंकार ये शब्द राक्षस आनंद हुओ मोर हसरे हस मिसाई दिया सेनापति कलिंगर उन्नत मस्तिष्क आज मस्तिष्क आज मस्तक आज नई पड़ी मगधर राजछत्र तले सम्राट अशोक कहते कलिंगर उन्नत मस्तक आज मगधर राजछत्र तले नई पड़ी हस मो सहित मिसिकी हस बड़ गर्व थिला तार ए कलिंगर बहुत बड़ गर्व थिला बोली से कहते बड़ गर्व थिला तार भारत विजयी सम्राट चंद्रगुप्त कलिंग को पदानत करे राग कौटी जे सम्राट चंद्रगुप्त कलिंग को हरई पारि नथिले
ସେହି ଗର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଳିଙ୍ଗକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେହି ଗର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମୋ ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ହାରିଛୁ ସେ ଆମେ ହାରିଛୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଭାରି ଗର୍ବ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବି ହରାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି ସାରା କଳିଙ୍ଗର ନରନାରୀ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଆଜି ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। ପୁଣି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ଆଜି ଭୋଗୁଛି। କଳିଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଥିଲା ନା ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଗର୍ବରେ ସେ ମୋତେ ତାର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ତାର ପରିଣାମ ସେ ଆଜି ଭୋଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେପଥ୍ୟରୁ ଶୁଭିଛି ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଶୁଣ ଶୁଣ ରାକ୍ଷସ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଣାରେ ବୀଣାର ମଧୁର ଆଳାପନା ଶୁଣ, ମଧୁର ଆଳାପନା ଶୁଣ। ଆହ କି ମଧୁର, କି ଲଳିତ, ଛାତି ଚାପି ଧରିଲେ ସେ କହିଲେ ଆହ ଏତେ ଦିନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ମୋର, ଏତେ ଦିନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କଳିଙ୍ଗର ଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଅଳ୍ପ ନୀରବ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସ, ଅଳ୍ପ ନୀରବ ରହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଟିକେ ସମୟ, ତାପରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଅଶୋକ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଛି, କେହି ଆଜି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମଗଧର ଏ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। କଳିଙ୍ଗର ପୁର ପଲ୍ଲୀ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତର ଧୂଳି କଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ହାରିଛି, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଜି ଜିତିଛି, ଏଇଟା କେହି ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି